सुनील जाखड़ ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की नीयत ही नहीं है कि पार्टी को बचाया जाए। उदयपुर में हो रहे कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर का नाम चिंता शिविर होना चाहिए। तो सुनील जाखड़ ने जिस तरीके से जमकर पतलून उतारी है राहुल गांधी की, उस बात के बाद से राहुल गांधी को शायद फाइनली नेपाल से वापस आ जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लग चुका है। पंजाब के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है, और ना सिर्फ ऐलान किया है, ध्यान से सुनिए, सुनील जाखड़ ने सोनिया गांधी से अपील भी करी है। सुनील जाखड़ ने कहा कि राजनीति सारे देश में कर लीजिएगा, पंजाब को तो बख्श दीजिए। अंबिका सोनी से पूछिए सिखिज्म क्या है। पंजाब का बेड़ा गर्क दिल्ली में बैठे उन नेताओं ने किया है जिनको पंजाब के बारे में घंटा नहीं पता है, ऐसा कहना है सुनील जाखड़ का, जो पार्टी के सबसे कद्दावर नेताओं में से माने जाते हैं। आपको बता दें कि सुनील जाखड़ ने फेसबुक लाइव करके कांग्रेस के सीनियर नेताओं को जम के खरी खोटी सुनाई। उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि आप दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर सकते हो, तो मूर्खों कम से कम एसेट और लायबिलिटी की पहचान करना तो सीख लो। आगे सुनील जाखड़ ने कहा कि मैंने सोनिया गांधी का भाषण सुना, बड़ा भावुक भाषण था। उन्होंने कहा कि असाधारण स्थिति को असाधारण समाधान की आवश्यकता होती है। कांग्रेस का चिंतन शिविर औपचारिकता पूरी करने से ज्यादा कुछ नहीं है। जब पार्टी का अस्तित्व खतरे में है, उसको बचाने का समय है, तब हम ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे कांग्रेस के ही कंधों पर देश का पूरा दायित्व है। अब ऐसा कहने के पीछे कारण क्या है सुनील जाखड़ का, वो मैं आपको बताता हूँ, सुन के आपको सच में हंसी आएगी। ये बात तो सुनील जाखड़ ने बिल्कुल सही कही। जब कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व ही खतरे में आ चुका है, एब्सोल्यूट माइनॉरिटी से भी नीचे जा चुकी है, इस समय देश की सबसे बड़ी तथाकथित माइनॉरिटी का चिंतन कर रही है। सुनील जाखड़ ने कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर में हुए खुलासे के बारे में बताते हुए कहा कि वहां 6 कमेटियां बनाई गई, और कोई विदेश नीति पर चर्चा कर रही है, तो कोई आर्थिक हालात पर चर्चा कर रही है। कांग्रेस आज देश की एक मुख्य विपक्षी पार्टी है, और हमारा फर्ज है कि इन विषयों पर हमारी एक राय हो। लेकिन उससे भी ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि घर को सजाने का तसव्वुर तो है बहुत, घर को सजाने का तसव्वुर तो है बहुत, मियां पहले ये तो तय कर लो कि घर को बचाएं कैसे। सुनील जाखड़ ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की नीयत ही नहीं है कि पार्टी को बचाया जाए। उदयपुर में हो रहे कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर का नाम चिंता शिविर होना चाहिए। मतलब सुनील जाखड़ ने किसी स्टैंड अप कॉमेडियन से भी बड़े लेवल पे जाकर बैंड बजा दी है इनकी। अब कपिल शर्मा जैसे लोगों का क्या होगा। सुनील जाखड़ का कहना है कि अगर सच में कांग्रेस को चिंता होती तो 6 कमेटियों में से एक कमेटी तो ऐसी बनती जो चर्चा करती कि यूपी में कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। कुल 403 सीटों में से 390 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी को 2000 वोट भी नहीं मिले, और पंचायत का मेंबर भी 2 से 4 हजार वोट पा जाता है। तो सुनील जाखड़ ने जिस तरीके से जमकर पतलून उतारी है राहुल गांधी की, उस बात के बाद से राहुल गांधी को शायद फाइनली नेपाल से वापस आ जाना चाहिए। पर आए कैसे राहुल वापस, पतलून तो सुनील जाखड़ जी ले गए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आपने बाबरी छीन ली, ज्ञानवापी नहीं छीन पाओगे, ज्ञानवापी मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी। तो सुनो भाई ओवैसी, बाबरी छीनी नहीं गई थी, वापस ली गई थी कोर्ट के माध्यम से, और अगर कोर्ट आदेश देती है तो योगी जी बैठे हैं। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट में जय योगी राज लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आज ये योगी आदित्यनाथ जी के कारण ही संभव हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार न्याय को वरीयता दी जा रही है, उत्तर प्रदेश में पहली बार सच्चाई को वरीयता दी जा रही है। देखिए मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और योगी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास और झूठ का विनाश, तो वही हो रहा है। अब कोर्ट सच का सच और झूठ का झूठ पता लगा लेगी, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। जय भोलेनाथ। बोलो काशी विश्वनाथ महाराज की जय। हर हर महादेव।